Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram, the link is given below. आप सभी हमें Telegram पर भी फॉलो कर सकते हैं. Telegram की लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. आज मैं आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाने जा रही हूँ इसके जो नोट्स है उसका PDF आपको हमारे Telegram चैनल पर 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा. उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में मॉक टेस्ट पेपर, MCQ सभी चीज़ों की सीरीज़ लेके आएंगे. एक रिवीजन लेक्चर सीरीज़ भी हमने अभी स्टार्ट करी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए. और एक सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है मोस्टली सारी लॉ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम अगर कम्पीट कर रहे हैं तो उसमें सभी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा ही आएगा. उसके बाद आगे अगर हम MPCJ की बात करें, अभी जो एग्ज़ाम हुई थी तो MPCJ का भी जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत डीप में था, डिटेल में था. इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो डिटेल में पढ़िए, 2 सेक्शन कम पढ़िए. आज की डेट में 2 सेक्शन कम पढ़िए. अगर आप 10 सेक्शन रोज कवर कर रहे हैं तो 8 ही पढ़िए, बट जो 8 पढ़ रहे हैं उनको डिटेल में पढ़ना अभी बहुत ज़रूरी हो चुका है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड. इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने बात करी थी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड होते हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट में जो है कोर्ट बोलेगी नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही करना है, स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड होगा, कोर्ट बोलेगी. ठीक है, आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड होते हैं और अब पढ़ेंगे कौन से जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये जो है ये स्टार्ट होता है सेक्शन 14 से. इससे पहले के सेक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, वो वीडियो भी बहुत अच्छा था, आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे. तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 14 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड नहीं होंगे. कॉन्ट्रैक्ट विच आर स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड वो था सेक्शन 10 में. ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, सेक्शन 10 में था जिसमें कोर्ट बोले कि आपको ही ये करना है, आपने बोला है मतलब आपको ही करना है. और सेक्शन 14 में जो है कोर्ट नहीं बोलेगी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड की. चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं सेक्शन 14 हमें क्या बोलता है. द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, नेमली कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड नहीं होंगे. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20. इसमें बोला है जब अगर जो सामने वाली पार्टी है या कोई पार्टी है उसने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है सेक्शन 20 के अंदर. देखिए सेक्शन 20 को अभी हम डीप में नहीं पढ़ रहे, जब सेक्शन 20 आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए. अभी नॉर्मल से पढ़िए कि सेक्शन 20 के अंदर अगर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा. अब आप नॉर्मल समझिए सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस क्या होता है, पहले हम समझेंगे सब्स्टिट्यूट क्या होता है. देखिए सब्स्टिट्यूट एक ऐसा वर्ड है जैसे कि आपकी किसी एक चीज़ की डिमांड है, वो अगर उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे. जैसे आपकी इच्छा है चाय पीने की, मुझे चाय पीनी है, बट अगर चाय नहीं मिल रही है तो हम आपको कॉफ़ी ऑफर कर देंगे, तो क्या हो गया, कॉफ़ी जो है वो चाय का सब्स्टिट्यूट हो गया. ठीक है, कॉफ़ी जो था वो चाय का सब्स्टिट्यूट होगा, आपका काम तो चल ही जाएगा ना. ठीक है, वैसे ही होता है सब्स्टिट्यूट. अब इसमें बोला है कि एक जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लेती है सेक्शन 20 के अंदर. अभी सेक्शन 20 को आप थोड़ा सा साइड रखिए, सेक्शन 20 को अलग रखते जरा सा और समझते सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली कॉन्ट्रैक्ट में. अभी सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस से समझे कि जैसे मेरा और आपका एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको 100 बैलून्स जो है कॉटन के दूंगी, मतलब अपना हुआ कि चलिए 100 मीटर कपड़ा मैं आपको दूंगी कॉटन का. ठीक है, अब आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आपने बोला अरे भैया चलो मेरे को 100 मीटर कपड़ा मैं नहीं ले रही हूँ, कॉटन का नहीं ले रही हूँ, बट मैं सिल्क का ले लूँगी. ठीक है, वो बोल रहा है मैं सिल्क का कपड़ा ले लूँगी, तो ये क्या होगी सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हो गई. कैसे ना कैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो हो रहा है, मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा है ना. ठीक है, तो ये जो है इसमें कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं बोलेगी. उसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई सब्स्टिट्यूट चीज़ है तो उसमें जो है कोर्ट नहीं बोलेगी कि आप ये परफॉर्मेंस करो ही सही. आया आपको समझ, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको 100 मीटर कॉटन देऊंगी, कॉटन का कपड़ा देऊंगी. ठीक है,
अब अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 100 मीटर कॉटन का कपड़ा नहीं चाहिए, सिल्क का दे दो, तो ठीक है मैं सिल्क का दे दूंगी। परफॉर्मेंस कैसे ना कैसे तो हो रहा है ना, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए ठीक है। तो कोर्ट में आप इसके लिए स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपके और मेरे बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ, अब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आप मुझे डैमेजेस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो अगर वो चलने जैसा है तो चल जाएगा, तो वो भी क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हो गई, तो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब आप इतना याद रख लीजिए कि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 20 के अंदर। सेक्शन 20 में भी यही सब बातें बोली है जो मैंने अभी आपको समझाई है, कि कोई सी भी ऐसी परफॉर्मेंस करना जो कि आपकी वांट को, आपकी नीड को एक तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपका जो डैमेज है वो नहीं हो रहा है या फिर बहुत हद तक बच रहा है, या फिर आपको मतलब एक तरीके से संतुष्टि मिल रही है उस कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी चीज करने से भी, तो वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, ठीक है। फर्स्ट आया सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्शन 20 व्हिच आर परफॉर्मड इन सेक्शन 20, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीन्यूअस ड्यूटी व्हिच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। अब देखिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कोर्ट को कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करना था, ठीक है। मतलब ऐसा था कि भैया कोई रोड बनाने का एग्रीमेंट था कि आपको यहाँ रोड बनाना है, और उसमें था कि कोर्ट को वहाँ बैठे बैठे देखना है कि कोर्ट ढंग से बन रहा है कि नहीं, गिट्टी सही से डाल रहे हैं कि नहीं, डामर सही से डाल रहे कि नहीं, तो ऐसे नहीं होगा, इसमें स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। कोर्ट वहाँ अपना काम छोड़ के वो तो नहीं देखेगा, तो जो काम जिसमें लिखा होगा कि जिसमें कंटिन्यूअस जो है ड्यूटी रहेगी कोर्ट की सुपरवाइज करने की, याद रखे कंटिन्यूअस ड्यूटी टू सुपरवाइज किसकी, कोर्ट की, तो वो भी स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। अब देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सन क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। देखिए मटेरियल टर्म से समझते हैं एक सिंपल मीनिंग में, इम्पॉर्टेंट, मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको भी अपने एक एग्जांपल से समझेंगे। मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको बोला मैं आपको एक पेंटिंग करके दूंगी, मैं आपकी मम्मी की जो है पिक्चर ड्रॉ करके दूंगी एज इट इज, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं मर गई, ठीक है, मान लीजिए मेरी डेथ हो जाती है, तो या फिर मैं बीमार हो गई या मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारी मम्मी की पिक्चर अब नहीं बनूंगी, तो क्या होगा, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था तो तुम बोल सकते हो नहीं इसी से करवा, बट इस चीज में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें मेरी क्वालिफिकेशंस लगती है, तो अब मैं या तो डैमेजेस दे दूं या कुछ कर दूं, ठीक है, वो चीज हो सकती है। तो इसमें क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरे को ड्रॉइंग करते आती है या मेरे को गाना गाते आता है, जो मेरी इस पे डिपेंडेंट है, तो उसमें कोर्ट जो है किसी और को नहीं बोल सकता है कि आप इस चीज की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो, डायरेक्ट किसको करेगा, मुझे ही करेगा ना, और अगर मैं मना कर रही हूँ तो फिर कोर्ट क्या ही करेगा, ठीक है भैया पैसा दे दो और बात खत्म करो, ये हो जाएगा, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं बोल सकता। मान लीजिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते, मैंने बोला था कि हाँ मैं आपकी मम्मी की जो पिक्चर है वो पेंट करके दूंगी, अब मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो जाता है या फिर खराब हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें अब मैं वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकती हूँ, तो कोर्ट इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बोलेगा, ठीक है। आया इतना आपको समझ में, एक तो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस देखा, एक जिसमें कोर्ट को पूरा कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करने वाली बात हुई, एक हुई पर्सनल क्वालिफिकेशन वाली। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचुरल डिटर्मिनेबल, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में ही लिखा है कि अगर वो खत्म हो जाएगा तो आप उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते हो। देखिए इसका एग्जाम्पल समझे, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है कि पार्टनरशिप बनती है बट उसमें लिखा रहता है कि जब मेरी मर्जी होगी मैं ये पार्टनरशिप छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, उसमें डिटर्मिनेशन था, नेचुरल डिटर्मिनेशन था कि भैया इसमें लिखा है कि जब मेरी मर्जी होगी मैं छोड़ दूंगा, और अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो तुम बोले नहीं तुमको तो पार्टनरशिप में रहना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा था कि जब मेरी मर्जी होगी मैं छोड़ सकती हूँ, तो उसके नेचर से ही डिटरमाइन हो सकता है, तो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। आई आपको सारी बात समझ में, एक रिविजन कर लेते हैं फटाफट से सेक्शन 14 का। फर्स्ट था जो कि था सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20, सेकेंड था जिसमें बोला था कि कंटिन्यूअस सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट था पर्सनल क्वालिफिकेशन वाला जिसमें हमने पेंटिंग वाला एग्जाम्पल देखा था, वो फोर्थ था नेचर डिटर्मिनेशन वाला, ठीक है। उसमें था कि अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में है कि हाँ अगर हम छोड़ के जा सकते हैं
हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर इसमें स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। आया आपको सेक्शन 14 समझ में? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 14 ए पर, ठीक है, नॉट जंप टू सेक्शन 15, 14 ए अभी बाकी है। तो चलिए सेक्शन 14 ए, पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट्स, ठीक है, मतलब कोर्ट की पावर है कि वो एक्सपर्ट्स को भी इन सब में इंगेज करे, ठीक है। तो अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट रीड आउट करते हैं। विदाउट प्रीजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इन एनी सूट अंडर दिस एक्ट वेयर द कोर्ट कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्विंग इन द सूट, इट मे इंगेज वन और मोर एक्सपर्ट एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट ऑन सच इशू एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द इशू। नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा पढ़ के घबराइए मत। नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, जैसे कि हम सीपीसी में देखते हैं, किसी भी अगर हम कोई केस है जिसमें हमको लगता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है, कि जो एविडेंस मिले हैं उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है, तो क्या करती है कोर्ट, जो है एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करती है। वैसी ही बात है, कोई अलग बात नहीं लिखी, वैसा ही लिखा है कि जैसा सीपीसी में है, किसी एक्ट में या किसी सूट में अगर लगता है कि एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, किस लिए, ताकि एक्सपर्ट ओपिनियन मिले, उनको असिस्ट करे किसी स्पेसिफिक इशू के बारे में, जिस चीज में कोर्ट को लगता है कि यार हमको इस बारे में शायद थोड़ा कम नॉलेज है, तो हमको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, तो उस चीज में एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे। या फिर कोई ऐसा काम जिसमें एक्सपर्ट्स जो है उनको डायरेक्ट करे कि आपको ये काम कैसे करना है, ठीक है, और जो है अटेंडेंस करे एक्सपर्ट्स की, विटनेसेस की, एविडेंस की। जैसे होता है ना, हम सीआईडी में देखते थे, कोई सा भी उनको एविडेंस मिलता था तो क्या बोलते थे, साइंटिफिक एक्सपर्ट के पास ले जाओ। तो क्या होता था, वो खुद भी एक अच्छी टीम है, बट उनको लगता था नहीं, ये जो चीज़ है, मान लीजिए फिंगरप्रिंट्स है, तो वो कौन बताएगा, साइंटिफिक वाले बताएंगे, वो लेबोरेटरी वाले बताएंगे। तो जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है ना, उस चीज़ में कोर्ट जो है एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट कर लेती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जब अगर कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट जो है एक्सपर्ट्स को बुला सकती है, कैसे, जैसे सीपीसी में बुलाया जाता था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट गुड और अदर पार्टी फॉर हिज इंस्पेक्शन। इसमें भी नॉर्मल से बात लिखी है कि अब मान लीजिए कोर्ट जो है उनको डायरेक्शन भी दे सकती है, पहले तो अपॉइंट कर सकती है कि हाँ भैया आ जाओ, एक्सपर्ट्स लोग सारे आ जाओ और हमारी मदद करो। अब क्या करेगी कोर्ट, उनको डायरेक्ट कर देगी कि यार ऐसा ऐसा करना है, तुम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बताओ, और जो भी उनको लगता है कोर्ट को कि ये चीज़ें जो है प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है या एविडेंस है, तो उनके इंस्पेक्शन के लिए भी एक्सपर्ट्स को बोल सकती है, ठीक है। 14 में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है कोर्ट, उसके बाद उनको कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट। अब मान लीजिए उनको डायरेक्शन दी, एक्सपर्ट्स ने अपना काम भी कर दिया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओपिनियन और रिपोर्ट आएगी जो कि एक्सपर्ट देंगे, फ्रॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट एंड द कोर्ट और विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट मे एग्जामिन द एक्सपर्ट पर्सनली इन ओपन कोर्ट और एनी अदर मैटर रिफर्ड टू हिम और मेंशन इन हिज ओपिनियन और रिपोर्ट और एज टू हिज ओपिनियन और रिपोर्ट और एज टू द मैनर इन विच ही मेड द इंस्पेक्शन। देखें, नॉर्मल सी बात है कि जैसे ही एक्सपर्ट ने अपनी जो रिपोर्ट वगैरह थी वो दी, तो फिर उसके बाद क्या है कि अगर एक्सपर्ट को लगता है कि जो पार्टीज है उनमें से भी उसको किसी को एग्जामिन करना है, तो एक्सपर्ट जो है एग्जामिन कर सकता है, और जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स आई है उसको भी जो है पार्टीज जो है एग्जामिन कर सकती है, ठीक है। इसमें नॉर्मल सी यही बात लिखी, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि अगर जो है ओपिनियन आ जाता है, रिपोर्ट आ जाती है एक्सपर्ट की, तो क्या होगा, तो परमिशन लेंगे कोर्ट से और जो भी पार्टीज है सूट की उनको एग्जामिन कर सकते हैं एक्सपर्ट पर्सनली, ठीक है, पर्सनली उनको एग्जामिन कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं किसी पार्टी को जाके एग्जामिन कर सकती हूँ, बट मुझे परमिशन लेनी होगी कोर्ट से, क्यों, क्योंकि मुझे तो अपॉइंट कोर्ट नहीं किया है ना, तो मैं उनसे परमिशन लेंगी और बोलूँगी मुझे इसे पर्सनली जो है चेक करना है, मतलब इसका एग्जामिनेशन करना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ, ठीक है, आप जाइए और उनका एग्जामिनेशन ले लीजिए, ठीक है, इतनी सी बात इसमें बोली गई है। लास्ट फोर्थ नंबर, द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस और कॉस्ट।
अब अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो पैसे तो लेंगी, तो नॉर्मल सी बात है। अगर एक्सपर्ट भी काम कर रहे हैं तो वो कॉस्ट फीस जो भी उनकी लगेगी एक्सपेंसेस, जो कि कोर्ट फिक्स करेगी, अगर कोर्ट अपॉइंट करे तो कोर्ट ही फिक्स करेगी, तो कौन पे करेगा? पेबल बाय द पार्टीज इन सच प्रपोर्शन एंड एट सच टाइम एट द कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए कोई केस था नॉर्मली ए एंड बी का, इसमें कोर्ट को लगता है कि एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेगी? कोर्ट अपॉइंट करेगी, फिर बताएगी आपको कैसे कैसे काम करना है, फिर थर्ड में बताएगी कि ये रिपोर्ट आई है, हमको किसी को पर्सनली जाके एग्जामिन करना है, फोर्थ में पैसे कौन देगा? पैसे जो है दोनों पार्टीज देगी। कैसे देगी? जैसे कोर्ट बताएगा, कितने प्रपोर्शन में? कोर्ट बताएगा। ठीक है, आया आपको पूरी एक कहानी की तरह इसे याद कर लीजिए। 14 हमने पढ़ लिया, 14 ए पढ़ लिया, अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 पे। अब आया है सेक्शन 15 जो है, उससे पहले एक हेडिंग आती है बैरेक्ट में, पर्संस फॉर और अगेंस्ट हुम कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। हमने ये पढ़ लिया कि कब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स होंगे, जो था सेक्शन 10 में, कब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होगा सेक्शन 14 में। अब हम पढ़ेंगे किसके खिलाफ जो है स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस जो है इन्फोर्स की जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स होती है, बट किसके खिलाफ ये भी तो पढ़ना जरूरी है, तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 में। चलिए सेक्शन 15, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसको जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन बाय। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन कौन ऑब्टेन कर सकता है? फर्स्ट, एनी पार्टी देयर टू, जो भी पार्टी है, दोनों में से जो भी पार्टी है, वो कोई भी पार्टी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल और एनी अदर पार्टी देयर, एनी पार्टी देयर टू, मतलब समझे, या तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। अब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कौन होता है? देखिए रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट समझे कि जैसे मैं हूँ और मेरी कोई बेटी है, अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो फाइनली जानी तो मेरी बेटी को ही है, तो अगर मान लीजिए मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था और आप तोड़ देते हैं और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपके खिलाफ सूट जो है मेरी बेटी भी ला सकती है, ये वाली जो है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आया आपको समझ? तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आप जानते हैं जो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, प्रिंसिपल वो कि मतलब मैं हूँ बट मेरे अंडर में, या फिर मेरा मेरे बिहाफ पे मेरा जो एजेंट काम करता है, तो अगर आपका और मेरे एजेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप कुछ करेंगे तोड़ेंगे तो मैं भी आपके खिलाफ सूट कर सकती हूँ, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए बोल सकती हूँ। ठीक है, आया, तो या तो दोनों में से कोई भी पार्टी, या फिर मेरा रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर मेरा प्रिंसिपल, या और कोई पार्टी। ठीक है, अब इसका प्रोवाइडेड मतलब अपन प्रोविजन देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेदर लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टीज मटेरियल इंग्रेडिएंट। देखिए इसको समझिए कि मान लीजिए मेरी कोई पर्सनल स्किल से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग वाला, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप अब कैसे बोलेंगे स्पेसिफिकली इन्फोर्स, अगर मेरा आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेरी बेटी है। ठीक है, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, आप उसको थोड़ी ना बोल सकते कि तुम प्रेजेंट करो, क्यों? क्योंकि मेरी उसमें स्किल्स थी, वो स्किल्स उसके पास तो नहीं है, तो वो चीज़ है ना, मतलब आप नॉर्मली जो है ये इंसान आपके ऊपर केस कर सकता है जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, और आप जो है आप भी इसके ऊपर केस कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के ऊपर, बट कब नहीं कर पाएंगे? कब प्रिंसिपल के ऊपर या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के ऊपर केस नहीं करेंगे? तब जब मेरी कोई पर्सनल स्किल्स है, सॉल्वेंसी है, या कोई पर्सनल क्वालिटी है जो कि मटेरियल थिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, और वे द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो उसको कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट असाइन नहीं हो रहा है, तो भी वो नहीं कर सकता है। नॉट असाइंड हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट unless such party has already performed his part of the contract or the performance thereof the representative in interest or his principal has been accepted by the other party। normal से समझते हैं इसको, बड़ा है but normal से समझते हैं। normally अगर मेरा और आपका कोई agreement हुआ है, ठीक है, और ये मेरी बेटी है, इसको मेरा और आपका कोई agreement हुआ है और मेरी property finally मेरी बेटी को मिलने वाली है, ठीक है, अब आपने contract तोड़ा और मैं मर गई, तो आपके खिलाफ कौन केस या सूट ब्रिंग कर सकता है? मेरा रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया।
आप प्रोविजन, अब इसके एक्सेप्शन की तरह अगर हम समझे तो क्या, अगर उसमें मेरी पर्सनल स्किल थी या पर्सनल क्वालिटी थी या सोल्वेंसी थी तो उसमें जो है ये लाइबल नहीं होगा, या आप इसके खिलाफ या ये आपके खिलाफ केस नहीं कर सकते। आया इतना समझ? उसके बाद इसमें और लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में या कहीं लिखा है कि मैं अपने राइट्स इसको नहीं देती हूँ, मैं अगर अपने राइट्स इसको नहीं दे रही हूँ तो भी ये नहीं ला सकता है, ठीक है। यही बात लिखी है, घुमा के लिखी है, बट अच्छे से पढ़िए आपको समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, वेद अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज और अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली एनी पर्सन बेनिफिशियल इंटाइटल देयर अंडर, ठीक है। कोई एग्रीमेंट था जो कि मैरिज से रिलेटेड था, ठीक है। अब उसमें भी अगर कोई करेगा तो जिसको बेनिफिट मिलने वाला था वो बोल सकता है। मान लीजिए ए और बी की शादी हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, सी ने आके इनकी शादी तोड़ दी, ठीक है, तोड़ दी। तो अब है ना, कौन इसको इंटरेस्ट मिलने वाला था, मिला नहीं था, बट ये क्या था, बेनिफिशियली इंटाइटेड, ये जो था इसको इंटरेस्ट मिलने वाला था, तो ये केस ब्रॉट कर सकता है, ठीक है। यही बात लिखिए कि जहाँ पे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है और उसको राइट्स मिलने वाले थे, बट अगर ऐसा नहीं होता है और उसके किसी फैमिली मेम्बर ने ये कुछ गड़बड़ करके और मैरिज तोड़ दी, तो ये जो पर्सन इंटाइटल था बेनिफिट्स के, ये जो है क्लेम कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, वे द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर अ लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर में, ठीक है। अब आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, आप टेनेंट है, ठीक है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, आप टेनेंट है, और मैंने आपको बोला यार तुम पूरी ज़िंदगी मेरे घर में रहो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने बोला लाइफ टाइम अपना एग्रीमेंट हो गया, यार तुम रहो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने जो है वो लैंड किसी और से, मतलब कुछ आपका और सामने वाली पार्टी का कुछ एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, और मान लीजिए इस बीच में मैंने भी कुछ गड़बड़ कर दी और आप तो हो गए भगवान को प्यारे, ठीक है। मतलब समझिए कि आपका और मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ, हमने बोला आप पूरी उम्र इस घर में रहिए, आपने थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया और आपको कुछ हो गया, तो अब वो केस किस पे करेगा, वो केस करेगा मुझ पे, रिमाइंडर में जो मैं बच गई हूँ ना मुझ पे वो केस कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात लिखी है कि अगर आप टीनेंट को फॉर लाइफ टाइम अगर करते हैं तो जो रिमाइंडर मैन है, जो थर्ड पर्सन है, वो केस ब्रॉट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करती हूँ तो वो मुझ पे भी केस कर सकता है, क्योंकि उसको भी आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। अ रिविजनर इन पोजेशन वे द एग्रीमेंट इन अ कन्वीनियंट इंटर्ड इनटू विथ हिज प्रीसीडर्स इंटाइटल इन द रिविजन इज इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ सच कन्वीनियंट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए ए है, अब ये इसकी वाइफ है बी, ठीक है, ये इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ये अगर मर जाता है तो प्रॉपर्टी किसके पास गई, इसके पास, पर इसका एक भाई भी था, ठीक, इस भाई को कुछ पता नहीं। अब इस वाइफ ने जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वाइफ की जो है डेथ हो गई, और अब वो कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, मतलब नॉर्मली उसका कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो ये पर्सन किसके पास जा सकता है, ब्रदर के पास, क्योंकि ये जो भी प्रॉपर्टी थी वाइफ की अब ये फाइनली किसको मिलेगी, ये ब्रदर को मिलेगी। तो कौन, रिविजनरी इन पोजेशन, मतलब जिसको एट लास्ट जो है पोजेशन मिल रहा है, तो उसके खिलाफ जो है हम सूट ला सकते हैं। आया आपको समझ? नॉर्मल से समझिए, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हुई, प्रॉपर्टी किसको मिली, वाइफ को, वाइफ को मिलने के बाद वाइफ ने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक। अब इसके और इसके बीच में एग्रीमेंट है और क्या होता है, वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो अब थर्ड पार्टी किसके पास जाएगी, थर्ड पार्टी उस ब्रदर के पास जाएगी जिसको फाइनली ये प्रॉपर्टी मिली है, जो कि क्या है, रिविजनर इन पोजीशन, ठीक है। एफ पॉइंट में भी ऐसा ही लिखा गया है, आप, मैं रीड आउट कर देती हूँ, वैसे कभी पूछा नहीं जाता है, बट अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अ रिविजनरी इन रिमाइंडर, रिविजनरी इन रिमाइंडर ब्रदर वेयर द एग्रीमेंट इन सच अ कन्वीनिएंट एंड द रिविजनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट देयरफॉर एंड विल सस्टेन मटेरियल इंजरी बाय रीजन ऑफ इट्स ब्रीच। अगर कोई भी रीजन रहता है ब्रीच का तो वो जो है सूट ब्रॉट कर सकता है। मान लीजिए, अब मान लीजिए नॉर्मली ब्रदर के पास ट्रांसफर हुई, उसको पता पड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट था थर्ड पार्टी के बीच में और मेरी भाभी के बीच में, ठीक है, तो ये जो है जिसके पास लास्ट में प्रॉपर्टी बची है, तो ये भी इसको बोल सकता है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एफ ए, व्हेन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमालगेटेड विद द अदर लिमिटेड पार्टनरशिप, द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच अराइज आउट ऑफ द amalgamation। देखिए, एक कोई थी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थी, LLP थी,
इसने कोई एग्रीमेंट किया सेकंड वाली पार्टी के साथ. अब क्या हुआ, ये जो है इसके साथ अमालगेट हो गई. एक ये वाली एलएलपी थी और एक ये वाली एलएलपी थी, ये दोनों जो है अमालगमेट हो गई. तो अब कौन सूट ब्रॉड कर सकता है, जो न्यू वाली है. यही बात लिखी है, ठीक है. मतलब ये भी थी और ये भी थी, दोनों अमालगमेट हुए तो एक हो गए. तो अब अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये इन दोनों के खिलाफ भी सूट ला सकता है और ये इनके खिलाफ भी ला सकते हैं. तो जो न्यू बनेगी वो. वैसे ही कंपनी के लिए भी लिखा है कि अगर दो कंपनीज है जी पॉइंट में, कि दो कंपनीज है और अमालगमेट हो जाती है, दो कंपनीज है और अमालगमेट हो जाती है, तो ये जो है सूट ब्रिंग कर सकते हैं. किसके खिलाफ, ये दोनों कर सकते हैं इसके खिलाफ, और ये वाली जो पार्टी ये भी ब्रॉड कर सकती है न्यू कंपनी के खिलाफ, जो दोनों के अमालगमेशन के बाद बनी है, ठीक है. एच पॉइंट, वे द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी है, प्रमोटर्स की बात हो रही है, बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन. प्रमोटर्स जो थे, प्रमोटर क्या होते हैं, कंपनी को, कंपनी कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, कहाँ उसका लैंड होगा, कितने हमको इनविटेशन देने, ये जो सब चीज़ें होती है एक कंपनी को बिल्डअप करने की जो बात होती है, ये सब प्रमोटर्स करते, ठीक है. तो जो प्रमोटर्स था वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, बनने से पहले जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर्ट करता है, काय के लिए, कंपनी के पर्पज़ के लिए, ठीक है. कंपनी के पर्पज़ के लिए जो है एक प्रमोटर इंटर होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब इनकॉर्पोरेशन की ही टर्म्स से रिलेटेड है, ठीक है. कंपनी provided that the company has accepted the contract and has communicated such acceptance to the other party to the contract. अब मान लीजिए कुछ हो जाता है तो क्या होगा, आप कंपनी के खिलाफ भी केस ला सकते हो, क्योंकि वो प्रमोटर किसका है, वो कंपनी का ही प्रमोटर है, ठीक है. आया आपको समझ में, हमने 14, 14A और 15 कवर किए हैं. थोड़े से टिपिकल है सेक्शन, बट इतने नहीं है जितना आप सोचते हो. और मैं आपको फिर से बोलूँगी, प्लीज़ डिटेल में वीडियो मतलब देखिए आप, और अच्छे से पढ़िए. रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना है, डिटेल में पूछा जा रहा है बार बार. MPCJ की एग्ज़ाम में भी डिटेल में पूछा गया, तो अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद डिटेल में ही पूछा जाए. तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए. कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.